26 जनवरी हो या 15 अगस्त, सारे लोग तिरंगे के रंग में रंगे हुए दिखते हैं। तो चलिए आज हम इसी कलर की एक नई रेसिपी बना लेते हैं और एक ही रेसिपी में हम खट्टा मीठा तीखा सारा स्वाद भरने वाले हैं। तो चलिए देरी ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें लेना है 1 कप सूजी। तो एक मिक्सिंग बाउल में, बड़े से बाउल में हमें सूजी को ले लेना है और जितना हमें सूजी लिया है उसका आधा हमें यहाँ पे दही लेना है। तो मैंने बड़े वाले कप से सूजी डाला है और छोटे वाले कप से 1 कप दही लिया है। तो यहाँ पे हमें दही एकदम खट्टी वाली लेना है, 2-3 दिन की जो दही हो जाती है ना वही वाली दही इसमें डालना है। उसके बाद जितना हम दही डाले हैं उतना ही इसमें हम पानी डाल देंगे और अब हम सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे। तो एक चम्मच से आप इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। उसके बाद इसको रख दीजिए 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए। तब तक हम अपनी दूसरी तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है धनिया, इसको अच्छे से धुल लिया है और तोड़ लिया है। तो इस धनिया में मैंने इसके डंठल का भी यूज़ किया है और इसमें अब हम डालेंगे 1 बड़ी साइज़ की मिर्ची। तो मिर्ची को इस तरह से काट के ले लेंगे और थोड़ा सा हम लेंगे अदरक का टुकड़ा और इन सारी चीज़ों को पीस लेंगे अच्छे से और इसकी चटनी बना लेंगे। अब मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें डाला है 1 चम्मच तेल और थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे जीरा। जीरा को अच्छे से चटक जाने देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 3 से 4 टमाटर। तो यहाँ हमें एकदम पके हुए टमाटर लेना है, एकदम लाल कलर के टमाटर, और इनको गला लेना है। तो गलाने के लिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है थोड़ा सा नमक। अब इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और टमाटर को थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, इसमें से अच्छा कलर आएगा इसलिए आप इसको ज़रूर डालिएगा। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गुड़, क्योंकि हम इसकी मीठी चटनी बना के रेडी करेंगे तो इसलिए इसमें गुड़ ही डालेंगे। चीनी बिल्कुल मत डालिएगा, इसमें गुड़ ही डालिएगा। अब हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और गुड़ जब तक घुल जाता है तब तक इसमें पकने देंगे। उसके बाद फिर इसकी हम चटनी बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सूजी वाला बैटर ले लिया है। तो देखिए सूजी अच्छे तरीके से फूल गई है और इसका बैटर थोड़ा सा गाढ़ा भी हो गया है। तो इसमें हम पानी अभी नहीं डालेंगे, अभी हम इसको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं 3 कलर का बनाना है इसलिए इसे हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो मैंने 2 छोटी कटोरियाँ लिया हैं और इसमें मैं अलग अलग इसको करके रख दूँ। तो हमें तीनों बर्तन में बराबर बराबर बैटर ही लेना है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको अलग करके रख लिया है। अब हम 1 कटोरी ले लेंगे, उसमें डालेंगे ग्रीन वाली चटनी, धनिया वाली जो भी पीस के रख लिए हैं, और पहले पीसने के बाद इसको हम पहले छान लेंगे उसके बाद ही हम इसमें डालेंगे। तो देखिए अब इसको हम मिक्स कर देंगे। तो 1 चम्मच से इसको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। उसके बाद हम इसमें डालेंगे हल्का सा नमक, क्योंकि हम चटनी बनाते समय इसमें नमक नहीं डाले हैं, तो बस थोड़ा सा चुटकी भर इसमें नमक ऐड कर देना है और इसको मिक्स कर देना है। तो जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे इनो। तो मैंने थोड़ा सा इसमें इनो डाल दिया है। अब इसको एक्टिवेट कर लेंगे थोड़ा सा पानी डाल के और फिर इसको एक ही साइड में हम घुमाते हुए इसको बढ़िया सा इसमें मिक्स कर देंगे। तो देखिए चम्मच को एक ही साइड हमें घुमाना है और इसको मिक्स करते जाना है। अब इसको हम रख देंगे साइड में। अब हम सूजी वाला बैटर लेंगे, इसमें भी थोड़ा सा इनो डाल के इसको भी एक्टिवेट कर लेंगे और इसमें मिक्स कर देंगे। अब हम दूसरी कटोरी लेंगे, अब इसमें डालेंगे हम टमाटर वाली चटनी। तो चटनी को मैंने पीस लिया था, उसके बाद इसको हम छान लेंगे और छानने के बाद ही इसमें डालेंगे, क्योंकि टमाटर में छिलके होते हैं, बीज होते हैं, अगर छानेंगे नहीं तो इसमें मिल जाएंगे, तो इसलिए हमें इसको छान कर ही लेना है और फिर इसको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद इसमें डालना है इनो, इसको एक्टिवेट करना है थोड़ा सा पानी डाल के और फिर इसको मिक्स कर देना है। तो एक ही साइड में हमें घुमाते हुए इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। अब हमें चाहिए एक ही साइज़ की कटोरियाँ। तो यहाँ पे मैंने एक ही साइज़ की कटोरियाँ ले लिया है। अब इसमें हम डालेंगे बैटर को। तो सबसे पहले मैं ग्रीन कलर वाला बैटर इसमें डाल रही हूँ, आप चाहें तो नीचे ऑरेंज कलर वाला भी डाल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने 2-2 चम्मच सारे कटोरियों में डाल दिया है। अब हम एक बर्तन में पानी रख देंगे, गर्म हो जाएगा। उसके बाद इसमें एक स्टैंड रख देंगे और सारी कटोरियाँ हम इसमें रख देंगे।
तो यहाँ इस तरह से मैंने इसमें चार कटोरियाँ रख दिया है। अब इसको बस 2 मिनट के लिए हम ढक देंगे ताकि ये बैटर अच्छे से सेट हो जाए। और जब ये बैटर सेट हो जाएगा उसके बाद हम इसमें डालेंगे व्हाइट कलर वाला बैटर हम इसमें डाल देंगे। तो 2-2 चम्मच इसमें हम डाल के और चारों तरफ से इसे फैला देंगे। तो देखिए इसे मैंने डाल दिया है। अब फिर इसको हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे और 2 मिनट के बाद फिर इसको हटाएंगे। अब इसके ऊपर से हम डालेंगे ये केसरिया कलर, इसको भी 2-2 चम्मच हमें फिल कर देना है। पूरी कटोरी भर के नहीं डालना है, इसमें थोड़ा सा हमें खाली ही रखना है और इसको डाल के पूरे में हमें फैला देना है। तो देखिए मैंने इसमें सारे में फिल कर दिया है और इसको अच्छे से फैला भी दिया है। अब इसको फिर हम 10 मिनट के लिए इसे हम पकने देंगे। तो देखिए 10 मिनट के बाद इसका मैंने ढक्कन हटा दिया है और ये काफ़ी अच्छे से पक गए हैं। तो इसको अब हम हटा लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। तो देखिए ये ठंडा हो गया है। अब इसको हम कटोरियों से निकाल लेते हैं। तो एक चाकू ले लीजिए और चाकू को चारों तरफ से कटोरी में घुमा दीजिए। घुमाने के बाद आप एक प्लेट ले लीजिए और या तो प्लेट में कर लीजिए या तो हाथों में ऐसे रख के और हल्का से इसको टैप कर दीजिए तो बड़े आसानी से ये निकल जाएंगे, बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। तो देखिए कितने अच्छे से ये निकल आया है और कितना बढ़िया इसमें कलर आया है। तो बाकी को भी हम ऐसे ही निकाल लेंगे। तो चलिए इसको मैं कट करके दिखाती हूँ कितना प्यारा लग रहा है और घर के ही नेचुरल कलर से हमने इसे बनाया है। आप इस नाश्ते को किसी भी चटनी के साथ खा सकते हैं, सॉस के साथ खा सकते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है ये। और देखिए कितना फूला फूला कितना फ्लफी ये बन के रेडी हुआ है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जय हिंद।